अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मुस्लिम समाज की जानिब से हज और उमरा के लिए जाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से FM और अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरा शरीफ के लिए जाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मुस्लिम समाज में एक बात खास तौर से देखने को मिलती है कि अपनी बहनों का हिस्सा आजकल ज़्यादातर लोग मारते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया नज़ारा देखने को मिला है। एक भाई ने अपनी 4 बहनों को उमरा शरीफ की ज़ियारत के लिए परभनी शहर में से ले जाने में कामयाब हुए हैं, और पूरी तरह से अपनी 4 बहनों को अपने ही पैसों से उमरा कराया गया है। और उमरा के लिए 16 जनवरी 2024 को परभनी शहर के परभनी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए पहुंचे हैं, और मुंबई से ये मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक भाई ने अपनी 4 बहनों को उमरा शरीफ की ज्यारत के लिए लेकर गया और उमरा शरीफ को ले जाने में कामयाब हुए हैं, आप ये नज़ारा देख लीजिए। अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स FM और अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो वो जत्थे जा रहे हैं, उन जत्थों में पूरी तरह से ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी बहनों को भी उमरा कराने में कामयाबी हासिल की है। आने वाले फरवरी महीने में भी FM और अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरा शरीफ के जत्थों का इंतज़ाम किया गया है। अगले महीने में भी रवानगी होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के परभनी के जिम्मेदार अबरार हुसैन और उसी के साथ में सद्दाम हुसैन इनकी जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान उन लोगों से किया है जो लोग उमरा शरीफ के लिए जाना चाहते हैं। परभनी शहर के शाही मस्जिद के करीब ही अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स का ऑफिस है। यहाँ पर अगर आपको उमरा शरीफ के लिए जाना है तो ऐसी सूरत में आप परभनी शहर के शाही मस्जिद के करीब ही अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स सैयद अबरार हुसैन साहब इनके ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल रहता इनका ऑफिस अवेलेबल है, और यहाँ पर सुबह के 9 बजे से शाम के 10 बजे तक इनका ऑफिस खुला रहता है। आप कभी भी जाकर इनके ऑफिस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात इनके ऑफिस पर जाकर ले सकते हैं। सैयद सज्जाद साहब जिस तरह से अपनी 4 बहनों को उमरा शरीफ के लिए ले जाने में कामयाब हुए हैं, सैयद सज्जाद साहब इन्होंने पिछले बार अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हज किया था, और हज के बाद में इन्होंने अपने परिवार के 7 लोगों मिलकर ये उमरा शरीफ के लिए इस बार गए हैं, जिसमें इनकी 4 बहनें, इनकी वाइफ और इनकी बच्ची और ख़ुद सैयद सज्जाद साहब, ये मिलाकर 7 लोग एक ही परिवार से गए हैं। अपनी बहनों को उमरा कराने वाले परभनी शहर के उन लोगों में से सैयद साहब उन लोगों में से माने जा रहे हैं जो लोग अपनी बहनों को भी उमरा कराते हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन मान्यवरों ने दी है। औरंगाबाद मनमाट के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जाने वाली थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रहे हैं। ये आना पहले लिया भाई। Thank you.
इधर जा रहे, उधर कहाँ जा रहे, इधर देख, इधर चल के मारो ना, इधर मारो ना, तुम मारता हूँ। हाँ 1 7 6 1 1 राजा रानी एक्सप्रेस फ्रॉम नांदेड़ टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल वाया जालना औरंगाबाद मनमाड इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। थैंक यू। कृपया लक्ष द्या, गाड़ी क्रमांक 1 7 6 1 1 राजा रानी एक्सप्रेस नांदेड़ वरुण जालना औरंगाबाद मनमाड या बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लताफ के साथ जा रहे हैं। हमारा पूरा पूरा इत्मीनान है कि हमारे भतीजे बहुत गार्डन में बहुत अच्छे तरीके से उनका सिस्टम के काम है। जैसा आपको बोले थे कि भाई हम जाने से पहले टिकट देंगे, वीजा देंगे, सब मिल गया ना आपको? सब मिल गया, सब अच्छा, इत्मीनान है, पूरा अच्छे से काम हो गया बोल के। इत्मीनान के साथ हम भैया, आपका उमरा शरीफ पहला है कि इससे पहले जा चुके हैं? इससे पहले भी आलम अताफ से गए थे आप? नहीं नहीं, आज के में। ये न्यूज़ कवर किए हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट्री टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद आयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।